हाय, मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मैं दिल्ली से हूँ और आज मैं यहाँ QST रिग्रो हेयर ट्रांसप्लांट हरिद्वार में आया हुआ हूँ। बेसिकली मैं यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। सो अर्ली इन 20s, लाइक जब 20 साल का था, 18, तब से मेरे बाल रिसीड होने स्टार्ट हो गए थे फ्रंट से और बहुत ज़्यादा बाल टूटते थे। बट उस वक्त मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था इसके लिए, बालों को, और मैंने कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी नहीं लिया कभी, और कोई होम रेमेडीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लिया। और हेयर फॉल का कारण तो जेनेटिक भी नहीं कह सकते बेसिकली, बिकॉज मेरे फादर का बाल अच्छा है अभी, हाँ, बट मामा मामी के साइड से, मामा नाना घर के साइड से बाल उन लोगों का गया हुआ था। उन लोगों के मतलब हेयर थिनिंग और लाइक बॉल्डनेस है, वो हिस्ट्री है। सो आई गेस, आई होप वहाँ से मेरे को इनहेरिट हुआ हो। और कुछ लाइफ में लाइक लाइफ स्टाइल का भी है, लाइक मेरा स्लिप साइकिल ठीक नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता हूँ चीज़ों का, और खाना पीना भी एज़ यूजुअल शुरू से बाहर ही रहा हूँ, तो खाना पीना भी उतना अच्छा, न्यूट्रिशियस डाइट वगैरह इस पे ध्यान नहीं दिया है मैंने कभी। सो बेसिकली अर्ली 20s में, मतलब जब 20-21 साल का था, कॉलेज के लिए गया बाहर, तब से मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गए। मैं एक्चुअली बेसिकली जयपुर से पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग किया था मैंने वहाँ से, तो तब से वहाँ से मेरे बाल थिनिंग और टूटना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। और लाइक बाय कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग, मतलब 2016 तक तो मतलब काफ़ी फ्रंटल हेयर लाइन यहाँ से थिन हो चुके थे और बाल काफ़ी रिसीड कर गए थे, बाल झड़ चुके थे। उसके बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली में पानी और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आई गेस इसके वजह से, और खान पान भी मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो और टेंशन काफ़ी लेता हूँ मैं, इसके वजह से भी मेरे आई गेस अर्ली एज में ही बाल चले गए। अभी 29 में इतना ग्रेड 6 लेवल का वो बॉल्डनेस है मेरे को, और बाल नहीं होने की वजह से ओबियसली मतलब थोड़ा साइनेस था तो फील होता है, लाइक कैमरा के आगे आने में या लोगों से बात करते समय हेजिटेशन होता है, लाइक या कभी इन पर्सन, लाइक कभी स्टेज वगैरह पे जाने में या कभी मीटिंग्स अटेंड करने में बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। सो आई होप, यहाँ आया हूँ, देखता हूँ ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट रहता है। सो मेडिकेशंस तो मैंने कुछ ऐसे लिए नहीं है बेसिकली। दिल्ली में 2-3 साल पहले मैंने बिफोर कोविड मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कुछ मेडिकेशंस मेरे को रिकमेंड किया था, जिसमें बायोटीन था और कुछ स्कैल्प पे लगाने के लिए कोई लिक्विड था, आई गेस मिनोक्सिडिल सम वो था, और फेनेस्ट्राइड भी मैंने कुछ दिनों तक कंज्यूम किया, फिर मैंने छोड़ दिया बिफोर कोविड ही, वो भी 2-3 साल पहले किया था मैंने, और उससे कुछ रिजल्ट दिखा नहीं मेरे को, तो मैंने मेडिकेशन लेना स्टॉप कर दिया था। उसकी वजह से हालांकि और मेरे बाल झड़ गए। सो बेसिकली मैं बहुत दिनों से सर्च कर रहा था, 2-3 साल से, लाइक आई वॉज थिंकिंग कि मतलब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑप्ट करना है, जाना है। मैंने दिल्ली गुड़गांव में भी बहुत सारे सर्च किए थे, राजस्थान में भी बहुत सारे क्लिनिक सर्च किए, लाइक और फिर इसके बाद मेरे को जाके QST के बारे में पता चला, तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम से पता चला कि लाइक डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ का, जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी यहाँ से करा रखा है, सो उसको देख के इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने डिसीज़न बनाया कि लाइक QST से ही मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। बेसिकली अभी मैं
जब मेरे को पता चला ऑनलाइन तो मैंने QST में कांटेक्ट किया। उसके बाद यहाँ का जो काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को गाइड किया। लाइक मेरे एज अब देख सकते हैं मेरा ग्रेड 6 का 5 और 6 का बॉल्डनेस है, जिसमें ऑलमोस्ट डॉक्टर कंसल्टेशन हुआ, वीडियो कंसल्टेशन हुआ। सर थे, मेरा कंसल्टेशन लिया था, और एक और सर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। बेसिकली उन्होंने मेरे को 5000 प्लस ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बताई कि 5000 प्लस ग्राफ्ट मेरे को लगेगा, और 5000 ग्राफ्ट लगेगा। बाकी फिर उसके बाद फिर मैंने प्लान किया कि लाइक मेरे को डेट मिला, सो 31st आज का डेट मिला हुआ है। आज मैं हरिद्वार में आया हुआ हूँ, QST यहाँ पे आया। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, हाइजीनिक भी है काफ़ी, और आके अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। कोई वैसा प्रॉब्लम वाली कोई बात मेरे को लग नहीं रही है अभी तक। तो अभी मेरा डॉक्टर से कंसल्टेशन है, देखते हैं क्या आगे सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। सो बेसिकली अभी मेरा डॉक्टर सर से कंसल्टेशन होने के लिए जा रहा है, तो देखते हैं आगे वो क्या सजेस्ट करते हैं। सर्जरी के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ और इक्वली नर्वस भी हूँ। आगे देखते हैं। मैंने आज तक कोई सर्जरी ऑप्ट नहीं कराया हुआ है, किसी तरह का भी सर्जरी मेरे को मैंने ऑप्ट नहीं किया हुआ है। सो नर्वस हूँ थोड़ा सा, और अभी जाएंगे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। इसके बाद क्या सजेस्ट करते हैं, तो मिलता हूँ आप लोगों से आफ्टर सर्जरी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। एवरीवन, आज जैसा कि 3rd डे है और मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जैसा बताया था कि 3 डेज़ पहले मैं QST हरिद्वार विजिट किया था हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। सो फर्स्ट डे मेरा डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ, देन आफ्टर डेट हेयर लाइन डिज़ाइन हुआ। उसके बाद डॉक्टर सर ने कुछ गाइडलाइंस बताई मेरे को, क्या डेली लाइफ में मेरे को क्या हैबिट्स रखना है, क्या रूटीन्स रखना है, कैसे मेरे को अपना डेली रूटीन रखना है फॉर टू ग्रो, हेल्दी, ताकि ग्रोथ हेल्दी हो बालों का। उसके बाद देन मेरा फर्स्ट डे ही मेरा स्लिटिंग हो गया था, तो मेरे बाल्डनेस एरिया बहुत ज़्यादा था, तो 5000 ग्राफ्ट की मेरे को रिक्वायरमेंट थी, तो जो कि वो सजेस्ट किया डॉक्टर ने। देन सेकेंड डे मेरा ट्रांसप्लांटेशन में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। सो डोनर एरिया से मेरे बाल निकाले गए, पीछे से बाल निकाले गए, देन मेरे ग्राफ्ट कम थे, डोनर बहुत वीक था, तो मेरे बियर्ड से भी बाल निकाले गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो फाइनली आज फर्स्ट सेकेंड डे फिर पूरा कंप्लीट सर्जरी नहीं हो पाया, कुछ बाल मेरे ग्राफ्ट कम रह गए थे, तो देन आज 3rd डे सर्जरी हुई है जो कि कंप्लीट बियर्ड से निकाल के, और सर्जरी आज 3rd डे कंप्लीट हो गया है। सो बस, और पेनफुल लोग कहते हैं कि बहुत पेन करता है या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्मूथ, डॉक्टर्स आपसे ड्यूरिंग सर्जरी बात करते रहेंगे अगर आपको थोड़ा सा पेन होता है,
तो जस्ट लाइक वो आपको बता देना है, वो थोड़ा सा इंजेक्शंस देंगे एनेस्थेटिक एंड ऑल, जो कि थोड़ा सा हल्का सा वो चींटी के चुभने के जैसा ऐसा लगे चींटी काट रहा है वैसा हल्का सा माइनर सा पेन होगा, उसके बाद देन पेन ख़त्म हो जाएगा। सो टोटल मेरे 5000 ग्राफ्ट लगे हैं। ये मेरा हेयर डिज़ाइन है, हेयर लाइन डिज़ाइन एंड टोटल एरिया है मेरा, एरिया ऑफ बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा था। जैसे कि देख सकते हैं डोनर से भी काफ़ी बाल एक्सट्रैक्ट किए गए हैं और बियर्ड से भी बाल मेरे लिए गए हैं। बाकी पोस्ट सर्जरी डॉक्टर ने सजेस्ट ये किया कि लाइक हेल्दी खाना है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करना है, गुड हैबिट रखना है, जिम वगैरह आप जा सकते हैं, एक तो अगर कोई हैवी वर्कआउट करता है तो अभी नहीं करना है, एक दो महीने के बाद आप जिम वगैरह जा सकते हो और अपना रूटीन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी पॉल्यूशन से बचना है और डाइट सही रखना है, दैट्स इट। तो बिफोर सर्जरी मेरे को बहुत सारी चीज़ें सर्जरी में क्या होगा कैसे होगा समझाई गई मेरे को, और क्वेश्चन नो डाउट हाइजीन के मामले में बहुत अच्छा है, यहाँ पे एम्बियंस बहुत अच्छा है, ओटी रूम्स भी बहुत साफ़ हैं, आप ऊपर आते हैं लाइक कंसल्टेशन एरियाज भी बहुत क्लीन हैं, हाइजीन हैं, स्टाफ हैं सारे सपोर्टिव हैं, डॉक्टर सर्जरी से पहले क्या क्या मेडिकेशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या क्या लाइक इंजेक्शंस है वो एक्सप्लेन करते हैं, लाइक व्हाट मेडिकेशंस दे आर गोइंग टू अप्लाई एट द टाइम ऑफ सर्जरी एंड व्हाट काइंड ऑफ इंजेक्शंस दे आर यूजिंग, राइट। सो वो सब भी सारी चीज़ें बताते हैं, और बीच बीच में मैं सो भी जा रहा था, आई गेस मैं बहुत इन्जॉय भी किया है मैंने मेरे को तो पता नहीं चल रहा था, बीच बीच में मैं सो जा रहा था, बीच बीच में फिर जगता था तो लाइक डॉक्टर्स बोलते थे कि लाइक ठीक है, ठीक हो, कहीं पेन तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। सो बेसिकली जब मैं QST आ रहा था उससे पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट थे, लाइक क्या मैं इतना मैं जा रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन सेफ़ है नहीं है, मैंने दिल्ली में भी बहुत क्लिनिक्स के साथ कांटेक्ट किया, चंडीगढ़ में भी बहुत सारे क्लिनिक्स के साथ कांटेक्ट किया, जयपुर में भी मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स के साथ कांटेक्ट किया, बट फाइनली मेरे को जो अच्छा लगा वो QST लगा, बिकॉज यहाँ का रिज़ल्ट वगैरह मैंने देखा, रिव्यूज़ अच्छे थे, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे थे, पॉजिटिव रिजल्ट्स थे, स्टाफ का बिहेवियर, और प्लस में कितने लोगों ने तो ये भी कमेंट किया है कि लाइक आप पोस्ट सर्जरी भी लाइक फॉलोअप्स एंड ऑल एंड केयर बहुत अच्छा है, उसके वजह से फाइनली मैंने अपना बनाया कि मेरे को QST में ही मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, और आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। बेसिकली ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे बहुत अच्छा है, गुड है, और लाइक मैं बहुत हैप्पी हूँ पोस्ट सर्जरी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लाइक जितने भी क्वेश्चन थे, डाउट्स थे या मन में हेजिटेशंस थे वो सारे क्लियर हो गए, बस अभी गर्ली मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, लाइक कैसा रिज़ल्ट होने वाला है, आफ्टर ऑल वो होप अच्छा ही होगा। थैंक यू QST, मेरा सर्जरी आप लोगों के थ्रू हुआ और इट वॉज वेरी ग्रेट टाइम विथ ईच एंड एवरी स्टाफ, योर स्टाफ्स आर वेरी सपोर्टिव, डॉक्टर्स आर वेरी गुड, एंड थैंक यू QST, आई विल डेफिनेटली कम अगेन एंड फॉर द नेक्स्ट PRP सेशन, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।